सोलो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू कार खरीदने का विचार बना रहे हैं और आपका बजट लगभग 5 से 6 लाख रुपए ऑन रोड है तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कार जो कि आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट मिलती, यानी कि सबसे सस्ती 5 कारें जो कि 5 से 6 लाख रुपीज़ के ऑन रोड प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाती है, जिसमें आपको फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। सो बात करें लिस्ट में 5th कार की तो वो है मारुति सुजुकी अल्टो 800। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी अल्टो 800 इस लिस्ट में 5th नंबर पे आती है। इस कार की खास बात यह है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे कम पैसों में आने वाली कार ये मानी जाती है। इसकी ऑन रोड प्राइस की स्टार्टिंग की बात करें तो अगर आपका बजट 3,86,000 यानी 3,85,000 है तो आप इस कार को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस कार की जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो 3,85,000 से लेके 5,64,000 रुपीज तक आती है। बात करें इसके टॉप सेलिंग वेरियंट की जो की सबसे ज्यादा बिकता है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में, तो वो है इसका VXI प्लस वेरिएंट, जो कि इसका टॉप मॉडल है, जो कि लगभग आपको 4,97,000 रुपीस का ऑन रोड मिल जाता है। ये कार आपको CNG भी ऑफर कर देती है। बात करें VXI प्लस के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 796 cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 47.33 bhp की पावर और 69 nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, साथ ही 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। 22 km तक का ये गाड़ी आपको माइलेज जनरेट करके दे देती है। वहीं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लोव कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है। वहीं एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडलाइट, मैनुअली एडजस्टेबल एक्सटेंड रियर व्यू मिरर, व्हील कवर्स, हैलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, रियर सीट बेल्ट्स, इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर्स इस कार में आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इसमें आपको EBD भी मिल जाती है। इंटरनल कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेसिक 7 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि फ्रंट में आपको स्पीकर प्रोवाइड हो जाता है, साथ ही इंटीरियर टूडी ऑडियो सिस्टम। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB कनेक्टिविटी दोनों ही देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका बजट लगभग 3,86,000 रुपीज से स्टार्ट होकर 5 लाख तक है और आप एक अच्छी कार खरीदना चाहते हैं सिटी पर्पस के लिए, माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाए, CNG भी लगा दे तो भी आपको काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करे, तो आप इस कार को खरीद सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। लिस्ट में बात करें हम नंबर 4th कार की तो वो है डैटसन रेडिगो। डैटसन रेडिगो भी काफी अच्छी कार है अगर आपका बजट कम है तो। इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग 4,33,000 से स्टार्ट हो जाती है। वहीं इसके टॉप सेलिंग वेरियंट की बात करें तो इसका टॉप सेलिंग वेरियंट है इसका AMT वेरियंट 1.0T ऑप्शन वाला, जो कि लगभग 5,73,000 रुपीज में मिल जाता है। ये कार उनके लिए जिनको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए तो आप इस कार को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1.0 लीटर का टी ऑप्शन AMT वेरिएंट लगभग 5,70,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें आपको 4,30,000 से लेके 5,70,000 तक काफी सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, तो अपनी नीड के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। हम बात करते हैं इसके AMT वाले वेरिएंट की स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 999 cc का है, जिसमें 61.50 bhp की पावर और 91 nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। वहीं बात करें फ्यूल परफॉर्मेंस की, 22 km तक का माइलेज मिल जाता है। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक ट्रिप मीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लोव कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर, डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडलाइट, फॉग लैंप्स फ्रंट में मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपको मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर, व्हील कवर्स मिल जाते हैं, साथ ही क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, पैसेंजर साइड ड्राइवर सीट एंड पैसेंजर साइड एयरबैग, साथ ही सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम, फ्रंट इंपैक्ट बीम देखने को मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको रेडियो मिल जाता है, फ्रंट में स्पीकर मिल जाता है, USB कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ ही 8 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सो फ्रेंड्स, ये भी काफी अच्छी कार है। लिस्ट में बात करें नंबर 3rd कार तो वो है मारुति सुजुकी इको। मारुति सुजुकी इको उन लोगों के लिए जो कि एक 7 सीटर कार खरीदना चाहते हैं कम बजट में। सबसे चीपेस्ट 7 सीटर कार आप इसे मान सकते हैं, जो कि लगभग आपको 5,73,000 रुपीस की मिल जाती है। इसके बेस वेरिएंट की बात करें मारुति इको के, तो बेस वेरिएंट आपको लगभग 5,40,000 का ऑन रोड मिल जाता है। वहीं अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो वो आपको 6,88,000 रुपीस का ऑन रोड मिल जाता है। साथ ही अगर इसके 7 सीटर वाले वेरिएंट की बात करें तो वो लगभग 5,73,000 रुपीस का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको G12B पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1,196 cc का था, जिसमें 72.41 bhp की पावर, 98 nm का गियरबॉक्स मिल जाता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो 16.11 km तक का माइलेज मिल जाता है। साथ ही इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको
इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रीटमेंट फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ग्लोव कंपार्टमेंट मिल जाता है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड लॉक, ड्राइवर साइड एयरबैग, पैसेंजर साइड व्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर, साइड इंपैक्ट बीम, एडजस्टेबल सीट जैसे फीचर्स इस कार में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट में बात करें नंबर सेकंड कार की तो वो है रेनॉल्ट क्विड। रेनॉल्ट क्विड भी वन ऑफ द बेस्ट कार जो कि आप 5 टू 6 लाख के बजट में खरीद सकते हैं। इसका बेस वेरिएंट आपको लगभग 5,26,000 रुपीस का ऑन रोड मिलता है जो कि इसका आरएक्सएल वेरिएंट है। वहीं अगर आप इसका 1.0 लीटर वाला आरएक्सएल ऑप्शनल वेरिएंट लेते तो वो आपको 5,81,000 रुपीस का मिलता है। हम बात करेंगे 1.0 लीटर आरएक्सएल ऑप्शन वेरिएंट की स्पेसिफिकेशंस की। सो पर्टिकुलरली इस वेरिएंट में आपको 999cc का इंजन मिलता है जो कि 61.06 bhp की पावर और 91 Nm का टॉर्क जनरेट कर देती है। 22 km तक का माइलेज मिल जाता है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टैकोमीटर, इलेक्ट्रिक ट्रिपमीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लोव कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर देखने को मिल जाता है। वहीं एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडलाइट, व्हील कवर्स, पावर एंटीना, रियर स्पॉइलर, हेलोजन हेडलैम्प्स, रूफ टेल्स मिल जाते हैं। वहीं सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट वार्निंग, साथ ही इसमें आपको एडजस्टेबल सीट जैसे फीचर्स देखने को मिल जाता है। भाई एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको एसएच कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के। लिस्ट में बात करें नंबर वन कार की तो वो है ह्यूंडई की सेंट्रो। ह्यूंडई की सेंट्रो इस बजट में सबसे प्रीमियम कार आप मान सकते हैं क्योंकि इसके जो लुक्स और इंटीरियर है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। सो बात करें इसके बेस्ट वेरिएंट की जो कि लगभग आपको 5,00,000 to 6,00,000 में मिल जाता तो वो इसका एरा एग्जीक्यूटिव बेस वेरिएंट है जो कि 5,80,000 रुपीस का ऑन रोड देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो एरा एग्जीक्यूटिव में आपको 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 1086cc का था जिसमें आपको 68.05 bhp की पावर और 99 Nm का टॉर्क मिल जाता है। फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें तो 20.3 km तक का माइलेज इस कार में आपको मिल जाता है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको टैकोमीटर, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिपमीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लोव कंपार्टमेंट मिल जाता है। एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एसएस तो कोई फीचर्स नहीं मिलते एक्सटीरियर में। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग मिल जाती है। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट होने की वजह से एसएच आपको कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते इंटीरियर में। तो फ्रेंड्स ये थी टॉप 5 कार जो कि आप 5 से 6 लाख रुपीस की ऑन रोड बजट में कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना।